हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हमारे अभी चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है आज की डेट में आप देख सकते हैं आप इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जो कि शेयर काफ़ी भागता नज़र आ रहा है और लोगों की क्वेरी भी आ रही है कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा आपके सारे के, के सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे और अगर कोई क्वेश्चन का आंसर रह भी गया होगा कमेंट करिएगा आपको आपको यहाँ पर जवाब देने की कोशिश करूंगा एज वेल एज अगर बात करें आज की डेट की तो हम बात करने वाले आई सी बैंक जिसके रिजल्ट दिग्गज मतलब माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आया है और रिजल्ट ने सबको चौंका दिया है ओके आ, तो उसी रिजल्ट से रिलेटेड हम बातें करेंगे एज एज वेल अगर बात करें आ, उसके कुछ आगे के टारगेट्स भी हम डिसाइड करेंगे देखेंगे कि कितना शेयर और भाग सकता है बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इंडिया इन्वेस्ट इंडियवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे बाकी प्ले आपके लिए बना रखी है यहाँ पर प्ले को गो थ्रू करिए सीखिए यहाँ पर सीख के आप करेंगे तो मार्केट से बेहतरीन पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे चाहे बुल मार्केट हो चाहे

में थोड़ी सी गिरावट नजर आ रही है बट अगर बात करें यहाँ पर इयरली बेसिस पे बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर जंप है और इसके पीछे का रीजन क्या है इसके पीछे का रीजन यहाँ पर है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो अदर इनकम है वो एक साल पहले ज्यादा थी और इस बार की बात करें यहां पर क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे कम थी बट कोई इशू नहीं है अदर इनकम को इतना मायने नहीं मेन इनकम ये होती है इंटरेस्ट इनकम जो इनकी जनरेट होती है क्योंकि बैंक को जो इंटरेस्ट मिलता है उसी से वो कंपनी काम करती है अगर बात करें यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर की तो एक्सपेंडिचर देख सकते हैं फिफ्टीन इससे पहले फिफ्टीन इससे पहले फिफ्टीन तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहां पर एक्सपेंसिव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अगर हम यहां पर देखते हैं कुछ और चीजों की तो यहां पर देखिए कंपनी का हम बात बात करते पहले प्रॉफिट बिफोर

अगर यहाँ पर देखते हैं प्रोविजनिंग टैक्स एंड कंटीजेंसीज यहां पर अगर देखे तो यहाँ पर 2851 करोड़ के यहाँ पर प्रोविजनिंग करी है इससे पहले 2883 होता था इससे पहले 7593 तो अगर हम देखते हैं तो ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे ओके यहाँ पर अगर बात करें प्रोविजनिंग कम करी है प्रोविजनिंग कम करने का मतलब है बैंक को पता है कि हमारे पास पैसा जो हमने दिया है वो हमें आना ही आना है यहाँ पर हमारा बैंक डेट में नहीं जाना तो इस चीज को हमें समझना होगा तो ये चीज देख के अगर

यहाँ पर ईपीएस भी देख सकते हैं सिक्स रुपीज सिक्सटी पैसे का ईपीएस इससे पहले सिक्स रुपीज थर्टी इससे पहले फोर रुपीज का ईपीएस था तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे ईपीएस भी बढ़ रहा है और बात करते हैं यहाँ पर कुछ और एनपीएस uh, रेशियो की बात कर लेते हैं तो अगर हम देखते हैं एनपीए ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एनपीए ओके यहाँ पर अगर हम दे, देखते हैं टू ग्रॉस अगर देखिए Uh, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5.15 है, है इससे पहले 4.96 था और इससे पहले 5.46 तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर नेट यहाँ पर अगर बात करें ग्रॉस एनपीएस वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं बट इयरली बे, क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो अगर हम यहाँ पर और भी कुछ चीजें देखें तो यहाँ पर नॉन एनपी अगर नेट नेट एनपीएस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेम यहाँ पर गाथा है क्वार्टरली बेसिस पर स्लाइटली इंक्रीज है बट ईयरली बेसिस स्लाइटली डाउन है तो कंपनी बैंक ने यहाँ पर आईसीआईसी बैंक की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ परफॉर्म पर किया है तो ये जो रिजल्ट थे ये स्टैंड अलोन रिजल्ट थे ओके जो कि मायने रखते हैं इसके अलावा कंसोलिडेट भी आप देखना चाहते हैं कि कंसोलिडेट में दूसरे बिजनेस वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं तो यहाँ पर अगर बात करें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो वो भी यहाँ पर अगर देखें तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ी तो सी गिरावट है बट ईयरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट करके दिखाया है इसने अगर बात करें कंसोलिडेट भी तो आईसीआईसी बैंक के यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट आ गए हैं अब बात कर लेते कुछ और चीजों की तो देखिए सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडिया का नंबर वन बात ओके मार्केट कैप देख सकते हैं है, okay, है, है, और डेट यहाँ पर देखते नहीं क्योंकि में आता है well क्योंकि वो भी इन चीजों बैंक ऑफ फाइनेंस की जितनी भी कंपनी है, है इसके अलावा बात करते हैं रेवेन्यू की तो रेवेन्यू यहाँ पर देख

पांच करो, करोड़ पांच पा अच्छा पा पर हजार पा पा तो तो करोड़ रुपए के आसपास के यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर एक सौ चौवन करोड़ दस में और नब्बे तो करोड़ रुपीज के आसपास का रिवेन्यू है जो की हाइएस्ट एवर है और कंसिस्टेंसी के साथ जो कंसिस्टेंसी यहाँ पर क्वार्टर इयरली बेसिस पे दिखाई दे रही है वो बेहतरीन है नेट प्रॉफिट भी देखे तो चार हजार छह सौ सत्तर करोड़ का प्रॉफिट अठारह हजार तीन

दो चीज़ से रिलेटेड बातें करूंगा सबसे पहले आर एस आई आर एस आई मुझे जो अब लग रही है कि इसकी जो आर एस आई है लगभग एटी पे जाके ही यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत गिरावट हुई तो यहाँ पर होगी अदरवाइज यहाँ पर गिरावट मेरे हिसाब से नहीं होने वाली दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें और चीज़ों की तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इस बार का जिसने जो हाइएस्ट लेवल अगर ऑल टाइम हाई जो बनाया है ये इसने फ्राइडे को ही बनाया है तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर देखिए और यहाँ से अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है मतलब फिफ्टी डी के आसपास पास यहाँ पर ये शेयर आया था और इसके बाद यहाँ पर, पर से देखे तो यहाँ पर एक मुफ्त रैली पर हो सकती है पे नहीं आ जाता। ये मुझे लगता कि उससे पहले रुकने वाला है जैसे कि यहाँ पर एक मुफ्त रैली हुई थी जैसे यहाँ पर दिख रहा है तो भागता गया तो इसी तरीके से अगर हम बात करें जो हिस्ट्री हमें सिखाती है हमेशा याद रखना तो हिस्ट्री से ही हमें सीखना होता है और हिस्ट्री से ही अगर हम देखें यहाँ पर अगर हम इस तरीके से से भी टारगेट निकाल के देखे एक बार यहाँ पर छोटा सा कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है ओके बट यहाँ पर दूसरा कप विद हैंडल पैटर्न बनने को भी तैयार है तो अगर हम यहाँ पर देखें इसके टारगेट तो कितने सेवन एटी तक यहाँ टावर गेट आ रहे हैं मतलब तो सौ तो रुपए की अपसाइड्स और दिख सकती है इस बैंक में तो स्टे इन्वेस्टेड ओके okay, अच्छा खासा यहाँ पर आपको गेन मिलता रहेगा यहाँ पर आईसीआईसी बैंक ने बढ़िया पर परफॉर्मेंस किया है ओके okay, किसी न्यूज की नहीं सुननी किसी की किसी दूसरे पर्सन की नहीं सुननी यहाँ पर हमें रिजल्ट देखना है रिजल्ट हमारे सामने है और बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट है तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे दूसरे लोग देखिए हमारे चैनल मोनिटाइज हो गया है सो थैंक यू सो मच और अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि हम तो वीडियो बनाते ही है बट आपको खुद भी देखनी है पूरी वीडियो दूसरे लोगों को भी दिखानी है ओके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है ताकि हम इसी तरीके से और मेहनत करते रहे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस